थाईलैंड के कन्वीनियंस स्टोर में आपको एक बड़ी अजीब चीज नजर आती है। रेड बुल का तो सबको पता है, मगर उसके ऊपर देखेंगे तो तीन ये ऐसी ड्रिंक्स हैं एक ही ब्रांड की, जो इनका लोगो ऑलमोस्ट सेम है, जिसको देख के लग सकता है कि ये चीप थाई रेप्लिकास या कॉपीज हैं, मगर ये एक्चुअली वो ड्रिंक्स हैं जिनसे रेड बुल इंस्पायर्ड है। इसको ग्लास में डालो तो इसमें कोई गैस नहीं, और इसका स्वाद ऑलमोस्ट रेड बुल की तरह है, क्योंकि इसमें हाई शुगर और रेड बुल के मुकाबले थोड़ी सी कम मगर फिर भी काफी ज्यादा कैफीन कंटेंट है, जिसका मेन काम लोगों को अलर्ट या इन अ वे एनर्जाइज रखना है। बढ़िया किसी भी लिहाज से हेल्दी नहीं है। ट्रक ड्राइवर्स और स्टूडेंट्स में ये ड्रिंक बड़ी तेजी से पॉपुलर हो गई, और 1982 में एक ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर यहाँ आया, जिसने जेट लैग से निपटते हुए काम में अलर्ट रहने के लिए स्टॉनिक के कुछ घूंट लगा ली। उसको इतनी जबरदस्त लगी कि उसने इसके इन्वेंटर को ढूंढ के उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। इसका टेस्ट थोड़ा सा ट्वीक किया, रेडबुल का नाम दिया, सोडा भरा और वेस्टर्न मार्केट्स में उतार दी, और आज 171 कंट्रीज में बिक रही है। बट ओरिजिनल आज भी थाईलैंड में मिलती है। रेडबुल का रेट है 65 बात, मगर ये 10 बात की एक मिलती है।